औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दिल्लाह। दरे हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपके हाज़िर ख़िदमत है। आपकी आवाज़ों को करबला मौला तक पहुँचाना मकसूद है। आवाखिर सफ़रुल अहज़ान में हम पहुँच चुके हैं और जो मुनासिबत है हज़रत रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत और उसके बाद जो है जो रबीउल अव्वल का महीना है, 8 रबीउल अव्वल शहादत हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अलबत्ता एक रिवायत के मुताबिक हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत भी माह सफ़रुल अहज़ान में है और आखिर सफ़रुल अहज़ान तो उसके बाद जो सिलसिला है ये आज़ादारी के दिन हैं। अलबत्ता आज़ादारी ये हज़रत मज़लूम करबला अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसके लिए कोई वक्त मुशख़्ख़स नहीं, कोई ज़मान मुशख़्ख़स नहीं, कोई मकान मुशख़्ख़स नहीं, लेकिन जो रस्मन एक सिलसिला चला है वो यहाँ तक है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला मौला में गूंज रही है, मौला को सलाम कीजिए। हम अपनी हाजत तलब कर सकते हैं? जी जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला में है, बिस्मिल्लाह फरमाएं। मौला मेरी माँ गुज़ारे मासूम में जगह नात फरमाए। इलाही आमीन। मौला मुझे रोज़ी से नवाज दीजिए, मेरे बाप को सेहतमंद कर दीजिए, उनकी आजकल थोड़ा तबीयत अलील रहती है, उनको शिफा दे दीजिए। मेरे घर के हालात को ठीक कर दीजिए मौला, सब बहुत परेशान हैं घर में, घर के हालात ठीक नहीं है मौला। बस आपसे यही गुजारिश है कि मेरे तमाम जितने भी सियाने हजरे कर्रार हैं सबकी जान माल इज्जत आप लोग की हिफाजत फरमाइएगा। इलाही आमीन। रोज़ी से नवाज दीजिए, बहुत परेशान हूँ, घर में बहुत परेशानियाँ हैं, बस आप ही का सहारा है। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात को हल फरमाए इंशाअल्लाह, और जो भी शरी हाजात है आपके मौला हाजात को बरआमदा फरमाए, सलामत रहे, मौला के हिफ्ज़ अमान में रहे और मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आज़ादारान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्होंने नहायत ही खूबसूरत तरीके से पूरी दुनिया भर में आज़ादारी का सिलसिला जारी रखा, सबके लिए दुआगो है, मौला हम सब की आज़ादारियों को कबूल फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। बिस्मिल्लाह, मौला को सलाम कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अस्सलाम वालेकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीलीन, अस्सलाम वालेकुम या इब्न बीबी खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन हुसैन। सबसे पहले दुआ मौला गाजी अब्बास अलमदार करीम है करबला के हुजूर अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फारिज परवरदिगार इमाम मक्के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मेरे मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, मौला इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम, मेरे मौला हुसैन करीम में करबला के फर्जंद है परवरदिगार, जल्द इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आप दस्ते दुआ बुलंद कीजिए और आप दुआ कीजिए कि परवरदिगार जल्द आपके बेटे के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। और जल्द वो आएँ और जनाब सैयदा से किया हुआ वादा पूरा करें। आज भी मेरी बीबी को इंतज़ार है कि कब मेरा बेटा मेहदी आएगा और कब जन्नतुल बकी की वीरानी दूर होगी और कब यहाँ रोज़े तामीर होंगे और कब मौलाना हुसैन का रूह जनाब मोहसिन का बदला लिया जाएगा। जल्द इमाम आए, जल्द आए, जल्द आए, इलाही आमीन। और हमें उनके कदमों में बैठने का शर्फ मिले और हम उनके कदमों में बैठकर जनाब सकीना का, करबला वालों का, जनाब सैयदा का पुरसा दें, जनाब मोहसिन का पुरसा दें। अल्लाहुम्मा जल्ल वलियकल फ़रिज, इलाही आमीन सुम्मा आमीन। और सबसे पहली बार मौलाना गाजी अब्बास अलमदार के हुजूर मेरे मौलाना गाजी अब्बास अलमदार अब्बास हज़रत की मौजूदा सारी परेशानियाँ दूर कर दें, सारी परेशानियाँ दूर कर दें। उसको बहुत सुकून और चैन अता करें। मेरी बेटी फातिमा की सब परेशानियों को दूर फरमाए, उनको फजन भी अता करें और उनको अपना घर अता करें। बैनुल हरमैन का सदका, मौला गाजी के हरम का सदका, मौला हुसैन के हरम का सदका मोजज़न उनको अपना घर अता करें और सारी परेशानियों को दूर कर दें। और मौला मोजज़न मेरी अम्मी जान को, मेरे हस्बैंड को, तहनीत को मुझे मोजज़न हमें शिफाए कामिला अता करें। और हमारे हमसायों में जो बे औलाद हैं मोजज़न उनको औलाद भी अता कर दें। और जो जो परेशान है हमारे अकरबा में सबकी परेशानियों को दूर कर दें। जो बीमार है सबको शिफाए कामिला अता करें और जो बे औलाद है उनको औलाद भी अता करें। और मौला मेरे वक्त के इमाम के हुजूर इस्तदा है कि मौला हम आपके जद हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, आपके लिए मैं करबला के हुजूर हमारी सिफारिश कर दीजिए। मौला गाजी के हुजूर हमारी सिफारिश कर दें। आप भी बाबुल हवाइजा, वो भी बाबुल हवाइजा मोजज़न वो हमें भी इजाज़त दें और हम उनके दर पे आएँ, वहाँ आके पुरसा भी दें और वहाँ आके सलाम भी करें और जनाब ज़ैनब की चीनी चादर का पुरसा दें। 72 जो शोहदा हैं करबला वालों का हम पुरसा दें। और मौला हमें जल्द बुलाएँ, हमें भी अपनी जागीर वफ़ा और जागीर अली अकबर हमें भी दिखा दें। मौला हमें भी ज़ियारत करवा दें और हमें अपने इमाम के इमाम से भी मुलाकात का हम उनकी ज़ियारत का शर्फ हासिल हो। इलाही आमीन। सलामत रहे आप। मौला आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फ़रमाए बेहक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादुल हुसैन व अला अस्हाबुल हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबुल फजल अब्बासी या अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैका या अपना सैयदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुल सालिहुल मसीहुल्लाही वली रसूलिही। अस्सलामु अलैका या अब्दुल रसूलिल्लाही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला की बारगाह में नजराना अकीदत पेश कर रही हूँ। जी बिस्मिल्लाह। हमें तस्कीन मिलती है, हमें सुकून मिलता है, जिक्र जब कर्ब वला का हमारे साथ होता है, हमारी महफिलों में जब जिक्र शाह होता है, बड़ा ही सैयदा को हम पे मान होता है। हम नूर से जुड़े हुओं को है ये खबर, हम नूर से जुड़े हुओं को है ये खबर, कैसे फर्श से अंबिया का बार होता है। मेरे मौला ने मेरे लहजे में इनायत बख्शी, मेरे मौला ने मेरे लहजे में इनायत बख्शी, कलम की नोक से जब बाबुल हवाइज का नाम होता है। कैसे करूँ में बयां इश्क मौला को लफ्ज़ों में, कैसे करूँ में बयां इश्क मौला को लफ्ज़ों में, धड़कनों में गूंजता जब या हुसैन होता है। मैं करबला से लौट आई, मैं करबला से लौट आई, न जाने क्या करम हुआ, बंद आंखों को तर करके दीदार मौला होता है। मौला की बारगाह में सर्ब सुजूद होकर दुआ है कि मौला तमाम मोमिनीन की तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, मौला तमाम मोमिनीन की हाजत रवाई फरमाए, प्रोग्राम के टीम मेंबर की तमाम मुश्किलात आसान फरमाए, ये प्रोग्राम हमेशा जारी और सारी रखे। मौला बसत्तर इमाम सैयद सजाद मुझे शफ़ाए कामिला अता फरमाए और तमाम मोमिनीन के लिए दुआएं हैं सारी। जज़ाकल्लाह। सलामत रहे। अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए बेहक़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और दुआ गो है आपके हक़ में मौला सबकी जायज़ हाजात को कबूल फरमाए और बारगाह मासूमीन अलैहिस्सलाम में मौला सबको शरफ़ कबूलियत अता फरमाए इंशाअल्लाह। करबला मौला शहर है, इश्क़ का शहर है। यहाँ पर वही लोग कामयाब होते हैं कि जो इश्क़ के साथ यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। सबके लिए दुआ गो है मौला सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वरकत। जी बिस्मिल्लाह मौला की खिदमत में सलाम कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजम। अस्सलाम वालेकुम या हबाब हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या औलाद हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या अस्हाबुल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या फजल अब्बास अलमदार, अस्सलाम वालेकुम जनाब अली अकबर, जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम वसल्लम, अस्सलाम वालेकुम जमीअ शोदा करबला व रहमतुल्लाह व बरकात। मेरे मौला मेरे आका इस वक्त आपके जवाहर में अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। माशाल्लाह दरवाजे पे मेरे मौला खड़े हुए हैं। मौला इस दर से स्पेशली ये दुआ कर रहे हैं कि मौला पाकिस्तान से जिन जिन मोमिनीन ने, जिन जिन बहन बेटियों ने इल्तिमास से दुआ के लिए कहा है, मेरे मौला बेहक मोहम्मद व आले मोहम्मद अपने बाबा जानी के सबके मेरे मौला, अपने जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के सबके में, जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम के सबके में मौला उन तमाम सवालियों के उनकी दुआएं मुस्तजाब फरमाइए। मेरे मौला जो इस वक्त सफर में फंसे हुए हैं, ये जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम्स पैदा आ रही हैं, मौला मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता है कि इन मुसाफिरों का सफर आसान फरमाएं बेहके जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मुसाफिरा शाम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह के सबके मौला इनके सफर आसान फरमाएं और रास्ते की जितनी भी तकलीफ है मेरे मौला दूर फरमाएं। मेरे मौला अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ा करम एहसान हुआ आपकी ज़ात का कि हम करबला टीवी के ऑफिस गए और जाके वहाँ की मेहनतें उनकी देखी, दिल बहुत खुश हुआ कि मेरे मौला करबला टीवी को तरक्की और कामरानी अता फरमाएं। बिलखुसूस शाजी सैयद खादिम हुसैन साहब ने शुक्रिया वहाँ पर खिदमत अदा करते हैं। मेरे मौला ये पूरी दुनिया इनको देखती है, लेकिन मेरा वहाँ खुशी के साथ साथ थोड़ा ये भी महसूस हुआ कि इनके अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि ये पूरी दुनिया में अपने नेटवर्क का सिस्टम इस तरह चलाएं कि हर शहर में इनकी एक ब्रांच होनी चाहिए। मौला हुसैन आपकी बारगाह अक़दस में खड़े होके आज इनके लिए दुआ कर रहा हूँ कि करबला टीवी के तमाम अरकान, दोस्तान, अहबाब, सादात, गैर सादात, जितने भी दोस्त इसमें काम कर रहे हैं, मौला इनको इतनी तरक्की अता फरमाएं कि पूरी दुनिया में इनकी ब्रांचेज हों और हर जगह पे इनका नेटवर्क सिस्टम मौला हुसैन आपसे कनेक्ट हो और तरक्की और काम फरमाए। मौला को वास्ता है बीमारी करबला सैयद इमाम ज़ैनुल आबदीन का जवार कामरान अली सुमरो इस वक्त मेरे साथ हैं, आपके जवार में खड़े हैं। उनकी जो शरई हाजत है मौला पूरी फरमाए, उनकी वालदा को सेहत और सलामती अता फरमाए, उनके वालिद मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मौला उनके तो फैल जो हमारे वालिदैन इस फानी दुनिया से कूद करके मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाएं। वसीम अली कलवर सक्कर से मौला उसकी जो सारी हाजतें हैं पूरी फरमाएं। बरकत अली कलवर मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है, उसकी बेटी के अच्छे नसीब फरमाएं, उनके रोजी में वसत और कामरानी अता फरमाएं। इन दुआओं के साथ कि मौला अगले साल आए तो इनकी इतनी तरक्की और कामरानी देखें कि मौला हमारे दिल खुश हो जाए। मौला करबला टीवी को बहुत बहुत तरक्की अता फरमाए। सलामत रहा, शुक्रिया मौला, आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, और जो भी शरई हाजात है कबूल फरमाए। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। अस्सलाम अला हुसैन वाला अली बिन हुसैन वाला औलाद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या बाबुल हवाइज या अबुल फजल अब्बास या कमर बन या हाशिम या वालेकुम या जमीयत शुदा करबला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। या मौला हुसैन सरकार या गाजी सरकार, मौला हमारे घर पे जो भी बीमारी तकलीफ है परेशानियां दूर कीजिए। मौला हम सबको शिफा कामला व अजला सेहत और सलामती तंदुरुस्ती अता फरमाए। मौला बिलखुसूस मेरी और मेरे बेटे शायन अली की, मेरी वालदा की तबीयत नासाज है, मौला हमें शिफा कामला व अजला सेहत और सलामती तंदुरुस्ती अता फरमाए। या मौला हुसैन सरकार मेरी मासी रानी को जो है थायराइड हुआ है गले में, मौला उसको शिफा कामला व अजला सेहत और सलामती तंदुरुस्ती अता फरमाए। मौला हमें जल्द अज जल्द करबला मौला की ज़ियारत नसीब कीजिए। मौला मेरी जितनी भी मुश्किलात है परेशानियाँ दूर कीजिए। मौला आप कमर बनी हाशिम है, मौला बाबुल हवाइज आपको आपके भाई हुसैन के परेशानी का वास्ता या मौला हुसैन मौला गाजी सरकार मेरी परेशानियां दूर कीजिए। मेरी गैब से मदद कीजिए, हमें जल्द अज जल्द करबला मौला की ज़ियारत नसीब कीजिए। मौला गाजी सरकार की बारगाह में एक अरीज़ा पढ़ूंगा, दो मिसरा का बस। जी बिस्मिल्लाह। जाने वालो दरे अब्बास पे जब तुम जाना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना, जाने वालों दरे अब्बास पे जब तुम। ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना, सबसे पहले उन्हें कहना मेरी जानिब से सलाम, फिर ये कहना के तड़पता है वतन में वो गुलाम, फिर ये कहना के तड़पता है वतन में वो गुलाम। कुछ नहीं लान यारत लाना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना, कहना हजरत से वसाइल को कुशादा कर दें, मेरा इस साल जरा रिस्क ज़्यादा कर दें, मेरा इस साल जरा रिस्क ज़्यादा कर दें। बेटियों बेटों को हमराह मुझे है लाना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना। अरबईं की जो बनाने लगे फहरिस्ता का, नाम मेरा भी सकीना के तसद्दुक लिखना, नाम मेरा भी सकीना के तसद्दुक लिखना। मुझको भी करबला पैदल है नजफ से जाना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना। बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी इस नजराना अकीदत को कबूल व मकबूल फरमाए बेहक़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। सलाम अलैकुम फातिमा ज़हरा सैयदतन साइल आलम। सलाम अलैकुम मौला सनदन मुजतबा। सलाम अलैकुम अब्दुल्ला हुसैन। अस्सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम साहब हुसैन। अस्सलाम अलैकुम अब्दुल्लाह या वालिद फजल अब्बास। अस्सलाम अलैकुम सैयदा ज़ैनब सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम। अस्सलाम अलैकुम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। सलाम अलैकुम काज़िम अलैहिस्सलाम। सलाम अलैकुम गरीब कुरबा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। सलाम अलैकुम इमाम तकी अलैहिस्सलाम। सलाम अलैकुम इमाम नकी अलैहिस्सलाम। सलाम अलैकुम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। सलाम अलैकुम ताइबुल तमाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। सलाम अलैकुम इज़्ज़त नबूवत व रिसालत व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अजमईन। अल्लाह आलि मुहम्मद सद ये पांच दुआएं तेरे हवाले करता हूं। मोहम्मद आलि मुहम्मद के सदके में जितनी भी इतना दुआएं मौला के रोज़े पे से जो है मंजूर मकबूल है। मोहम्मद आलम के सबसे बीमार कर बड़ा सत्य में जो बीमार है सबको कामले छुपा सत्य हमने कामले छुपाना बीमार है। बड़ा सजा के बीमारी के सत्य में बीमारी की बीमारी पहले जा रहे हैं। मौला हुसैन राजस्थान सत्य में उन सबको रोजगार सामने जो थे रोजी कारोबार में इलाही आमीन। बात खजाने खुले हुए हैं जवानी के सदके में उन सबको इलाही सलामत रहे आप। अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए बेहक के इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम या अबू अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न। मेरा नाम मौला मुझे हुसैन ये गुलाम अता फरमा के जाफरी और इलाही को पाबंदी ताकत अता फरमा और वक्त के इमाम के 313 में मुझे और मेरी नस्लों को शामिल करो मौला। मौला मेरे हर डर खत्म हो जाए, ज़ोर खत्म करो, तंग दस्तियाँ गुर्बत खत्म कर दो, अकेलापन खत्म हो, हर सुकून करार अता फरमाओ, खत्म कर दो मौला, मेरे हर गम दूर कर दो, मुझे गम हुसैन के सिवा। सलामत रहे आप। अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। सलामत रहे, मौला के ज़मान में रहे। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बेटा दुआ करें बिस्मिल्लाह। दुआ करें आपको भी सामलान है खबरा इलाही। और जी बिस्मिल्लाह। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम सलाम। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला में है, मौला को सलाम कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। जी सलाम अलैकुम। बिस्मिल्लाह दुआ कर बेटा। मैं दुआ करना सामने बीबी है जी और ये दुआ करना है, ये दुआ करना है, ये पैसा में आना कबरा पैसा आना है आसिफ है पैसा कबरा पैसा मोहर पे आना है आसिफ है कबरा। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए बेहक के इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दुनिया भर के जितने भी हमारे अहबाब जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, मौला उन सब की दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए। मखसूसन उनके लिए दुआ गो है कि मौला सब की जायज़ हाजात को बरआरदा फरमाए और इंशाअल्लाह सबको करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। ज़ियारत करबला सिर्फ़ ये नहीं है कि सिर्फ ज़ियारत है, और चूँकि रिवायात में ये वारिद है तो हम ज़ियारत का वो वजह भी है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि जब हम ज़ाहिर सी बात है कि उस कदर फ़ज़ाइल और मनाक़िब जो रिवायात में बयान हुए हैं बग़ैर रिवायात के तो ज़ाहिर है कि किसी चीज़ की शरई हैसियत भी नहीं रहती, लेकिन ख़ुद यहाँ पर जहाँ रिवायात से हटकर भी बहुत सारे अहले ईमान जब यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और उनके तजर्बात और उनके यहाँ पर जो आकर उनके हालात और उनकी कैफियत और उनकी वज़ईयत ये बिल्कुल चेंज हो जाती है, तो इससे भी एक चीज़ का हुसूल होता है। इससे भी हमें अंदाज़ा होता है कि किस कदर ये ज़ियारत जो है वो तबीयत इंसानी में तग़यीर और तब्दीली लेके आता है। असल में ख़ुद इंसान के वजूद में वो सौरा और वो इनकलाब जो बरगुज़ार होता है, और एक इंसान असल चीज़ वही है कि बदलाव आप में अंदर आ जाए, आपके वजूद में बदलाव आ जाए। तो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़यूज़ व बरक़ात में इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि इस किस्म की तब्दीलियाँ रुनुमा होती हैं इंसान के वजूद में, और बहुत सारे ऐसे लोग जो यहाँ पर आकर कुछ ख़ास दीनदार नहीं होते लेकिन वो यहाँ से दीनदार होके चले जाते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह मौला की खिदमत में सलाम कीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह मौला सलामत रखे आपको, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह मौला की खिदमत में सलाम का नजराना पेश कीजिए। जी बिस्मिल्लाह अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैका या अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलाम अलैका या औलादुल हुसैन, अस्सलाम अलैका या सहाबुल हुसैन। मौला तुझे वास्ता है अपनी मजलूमियत का। मेरे मौला मेरे अबू समेत जितने भी जवार आपके रोज़े पर इस वक्त हाजिरी दे रहे हैं, मेरे मौला उनकी तमाम दुआएं मुस्तजब फरमा। मेरे मौला तुझे किब्रियाई का वास्ता, मेरे मौला बे औलादों को औलाद अता फरमा, मेरे मौला बेघरों को घर अता फरमा। मेरे मौला तुझे के अब असगर की मासूमियत का वास्ता, हर माओ को असगर के सदका मेरे मौला चांद जैसे बेटे अता फरमा। मेरे मौला तुझे वास्ता है इमाम सज्जाद की बीमारी का, जो जो मोमिनीन बीमार है मेरे मौला, जितने भी ये मोमिनीन नहीं आ सके मेरे मौला ने करबला की ज़ियारत नसीब अता फरमा। मेरे समेत मेरे बेटे समेत शोहर समेत सबको मेरे मौला, महक समेत हुमा समेत आंटी समेत मेरे मौला सबको मेरे मौला अपने रोज़े की ज़ियारत नसीब अता फरमा। रजब को सेहत तंदरुस्ती अता फरमा, मुझे भी सेहत तंदरुस्ती अता फरमा। मौला तुझे वास्ता है बाबुल हवाइज अबल फजल अब्बास का मेरे मौला, मौला हमें भी करबला का जवारी बना दे। मौला तुझे वास्ता है अपनी मजलूमियत का, हमें भी करबला अपना रोज़ा देखना नसीब अता फरमा। मेरे मौला तुझे पंचन पा का वास्ता, जो मोमिनीन को इस वक्त लाइव कॉल करवा के तेरे दर पर आवाज़ पहुँचा रहे मेरे मौला, इनकी तमाम दुआएं मुस्तजाब फरमा। मेरे मौला इनका साया इनके बच्चों के सर पे शादोआबाद रख। मेरे मौला सवाए गम हुसैन के इन्हें कोई गम ना दे। मेरे मौला इनको शादोआबाद रखना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमा इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह मौला को सलाम कीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्ने रसूलल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम या फातिमतुज़ ज़हरा, सलाम अल हुसैन वाला अली इब्न अल हुसैन वाला औलाद अल हुसैन वाला असहाब अल हुसैन। आले मोहम्मद पर वक्त के इमाम पर लाखों करोड़ दुरूद, लाखों करोड़ सलाम। मेरे मौलाए, मेरे आकाए, मेरे बाबुल हवाइज, आप पर लाखों करोड़ दुरूद, लाखों करोड़ सलाम। आपको देती हूँ वास्ता बीबी सकीना का मेरे मौला, आपको वास्ता देती हूँ बीबी ज़ैनब सब, बीबी कुलसुम का, बीबी ज़ैनब का मेरे मौला है मेरे आका। हम सब का सलाम कबूल कर, हमें कोई गम ना दिखा, सलाई गम हुसैन बिन अली के। हम सबको अपने जमान में रख, हम हर मुश्किल परेशानी सारी बात जरूर रख मेरे मौला, ए मेरे आका, मेरे मौला। हम सब का सलाम कबूल कर मेरे मौला, हम सबको बेबी करने का मेरे शामिल कर, हम सब की पर्दे की मौला, मार्फत के साथ अपने दर की इजारत नसीब कर मेरे मौला, ए मेरे आका। हमारे आखिरी साथ से अपने दर पे खत्म करना मेरे मौला, सारे मरूमीन के मुफ्त फरमा मेरे बाबा की, मेरे आका मेरे मौला। जन तरबक्की को आबा देखना नसीब कर मौला, हम सब की नेक दुआएं कबूल कर, ए मेरे आका। मेरी अम्मी को मुश्किल परेशानी तारीमान से दूर रख, हम सब की नेक दुआएं कबूल कर मौला। हमारे मम्मी ज़बान के ज़ुबूर में ताजीर फरमा दे मेरे मौला, हम सबको जल्द से जल्द इस निजारत नसीब कर मौला। अपने खजाने से अता कर वास्तों को देख, जो तेरी दरबारगाह में दे रही हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाल अल्लाहुम्मा अज्र वली कल पर लब्बे किया मम्मी अलैहिस्सलाम। सलामत रहे, आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए बेहक़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और जो भी हमारे साथ इस वक्त इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं मौला सब के हाजात को कबूल फरमाए। ज़रूरत समर की है कि हर वो ज़ायर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो यहाँ तशरीफ़ लाता है, जो यहाँ पहुँचता है और जो हत्ता अपने घर से इरादा करता है, वो इस उसके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं जिस जगह जा रहा हूँ ये कोई मामूली जगह नहीं, बल्कि यहाँ पर मैंने अपने तकदीर को दुनिया और आखिरत में तब्दील करना है। देखें, करबला वो मकाम है कि जहाँ इंसान दुनियावी और उखरवी दोनों, यानी ये इस जहान का और उस जहान का फ़ायदा करबला से मिलता है। किसी को धन और दौलत चाहिए, करबला में है। जिसको शफायाबी और सेहत चाहिए, करबला में है। जिसको खौफ और हिरास से निजात पाना है, करबला में है। जिसको शोहरत इज़्ज़त लेनी है, करबला में है। और हत्ता दुनिया में तो दुनिया आखिरत में भी अगर कोई उस अज़ीम मकामात तक पहुँचना चाहता है, खुदा के उस अज़ीम नेमात तक पहुँचना चाहता है जो कि इंसानियत का मुक़द्दर है, तो उसका भी जो हिसाब किताब है वो करबला से ही मिलता है। ये वो है। और इरफान करबला के उन्वान से बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी है और इसकी जो असल जहाँ से ये मंबा है, बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक तो ख़ुद किताब शरीफ कामिल ज़ियारात है, और कामिल ज़ियारात के बाद जो किताब है शेख मुफीद अलैहिर्रहमा, किताब मज़ार में, किताब अल-मज़ार, ये किताब जो है, इस किताब में भी बहुत सारी रिवायात को जो है वहाँ पर ज़िक्र कर चुके हैं, जो मंबा है। और बाकी उसके शरूहात है। बहरहाल कोशिश करें कि कम से कम हमें जब हम ज़ियारत पे जा रहे होते हैं तो वहाँ हमें ज़ियारत के बारे में कुछ चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए। और ये मुस्तहब भी है। सहाबी रसूल हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने जो हिदायत फरमाए थे, मैं उस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करता हूँ। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। आपकी आवाज़ करबला में है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम या अबू अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या बना रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या बना अमीरुल मोमिनीन व बना सय्यदुल वसीय्यीन, अस्सलाम वालेकुम या बना फातिमातुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम या मौला अंसारुल मुस्तशहीदीन, अस्सलाम वालेकुम या अबुल फज़ल अब्बास व अख्तिका ज़ैनब व कुलसूम व रुक़ैया व बिन्तिका सकीना व सुगरा जमीअ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दुरूद व सलाम के बाद अर्ज़ है, नजराना किदत के बाद अर्ज़ है, मौला जो भी मोमिन मोमिनात परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, और जो भी मोमिन मोमिनात तंग दस्त है मौला उनकी तंग दस्तियों को दूर फरमा, और जो भी मोमिन मोमिनात किस अपने कारोबार की वजह से मौला परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मौला तुझे वास्ता भी बिस्किना सलाम है का मेरी मुश्किलात को आसान फरमा। मौला गाजी अब्बास सलमदार से खुसूसी दुआ है, मौला हमें भी शर्फ ज़ियारत नसीब हो, और हमारे कारोबार में जो मौला तंगी है उनको भी मौला दूर फरमा, और जो भी मोमिन मोमिनात अपने बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान है मौला अजल वक्त में मौला को फतह फरमा। सदका शहज़ाद अली अकबर का जो भी मोमिन मोमिनात परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, और हमें मार्फत इमाम ज़माना, मार्फत जनाब सैयदा और मार्फत अहले बैत अता फरमा, और हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, और हमें उनके ऐवान अंसार में शामिल फरमा, और हमें उनका सिपाही सही सिपाही बनने की तौफीक अता फरमा, और जो हमारा राब्ता मौला से करवाते हैं उनसे उनके घर में उनके बच्चों को मौला सेहत और सलामती के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमा। इलाही आमीन। शुक्रिया मौला आपको सलामत रखे, आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए बेहक के हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दुआ गो है आपके हक़ में, मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह, मौला को सलाम कीजिए आप। अस्सलामु अलैकुम या अबू अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्ने रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्ने वारिसा आदम सिफतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या वारिसा नूह नबीउल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या वारिसा इब्राहिम खलीलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या वारिसा मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या वारिसा ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या वारिसा मोहम्मद हबीबुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या वारिसा अमीरुल मोमिनीन वलीउल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्ने मोहम्मद अल मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैकुम या इब्ने अली अल मुर्तज़ा, अस्सलाम अल हुसैन वली इब्ने हुसैन व औलादिल हुसैन। मौला हमारा सलाम ले, मौला हमें बुलाए, मौला हर टाइम जो हम मकसद में है, जिस वक्त हम चाहते हैं हमें बुलाए, हमें दर का दीदान हमें दिखाए। हम बहुत तड़प रहे हैं मौला, अब तक ज़िंदगी दे जब तक ये हमें जो चाहते हैं वो पूरा ना किया हो, या अब तक मौत ना दे मौला, हमें सही रास्ते पे चलने का तौफीक अता फरमा मौला, मौला हमें नेक अमल के साथ ज़िंदगी दे मौला, हमारे मरीजों का शफा दे मौला, हमारे मरहूमिनों को मग़फ़िरत नसीब फरमा मौला, हमारे सगीरा और गुनाह कबीरा गुनाह माफ़ फरमा मौला, हर किस्म बुरे काम से बुरे गुनाह से महफूज फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे लिए दुआ कीजिए, मोहताज दुआ, और एक हमारी मोहताज दुआ इल्तिमास से दुआ भाई। और हमारे रिश्तेदारों में एक बच्ची है बेचारी 12 तक पढ़ी, उसके बाद उसका नज़र चला गया, अभी उसका मेरे पास काल आया, उनके लिए दुआ कीजिए। जी ज़रूर इंशाल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए, और जिस बच्ची के लिए दुआ फरमाई है जो बीमार है और नाबीना कैफियत है, मौला उनको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, और एक दफ़ा फिर उनको मौला तौफीक दे के वो अपने आंखों से देख सके, सलामत रहे, मौला के बुज़ अमान में रहे। तमाम अहल ईमान के लिए हमारी दुआएं, और यकीनन सब मोमिनीन से भी इल्तिमास से दुआ करते हैं कि हमें अपने दुआ खैर में हतमन याद रखें, और चूँकि बहरहाल एक उन्वान से कि ख़ुद शहर मुक़द्दस करबला से आपके लिए इस प्रोग्राम को पेश किया जाता है, और इस प्रोग्राम का मकसद नहायत ही मुखलसाना तरीके से यही है कि दूर दराज मोमिनीन जो करबला नहीं आ सकते या किसी भी मुश्किल के तहत उनकी आवाज़ को कम से कम इस जमे गफ़ीर तक जो शहर मुक़द्दस करबला में मोमिनीन की तदाद है वहाँ तक पहुँचाना मकसूद है, ताकि इस लब्बैक या हुसैन के साथ आपकी आवाज़ भी मुल्हक हो जाए। ये बस इतने ही है और बाकी जो है वो दुआएं जो है इसमें कोई शक शुबा नहीं। और मैं ये कहता रहता हूँ, ये बड़े फ़ख्र व मुबाहत के साथ इस जुमलों को मैं अदा करता हूँ कि दुआएं क्यों कबूल नहीं होगी कि एक तरफ सहीह रिवायात में तहत कुब्बा हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआएं मुस्तजाब है, यानी ये वो मकाम है कि जहाँ दुआएं मुस्तजाब होती है, इस कुब्बे के नीचे। बाद रिवायात में हत्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कब्र के पास यानी पूरे करबला में भी दुआएं कबूल होती है। और एक तरफ जो है वो ये है और सामने बिल्कुल इस अजीम लंगर इलाही के सामने जो रोज़ा है हज़रत बाबुल हवाइज का, इस रोज़े के साहिब को बाबुल मुराद कहते हैं, बाबुल हवाइज कहते हैं। ये मुरादों और हवाइज का दरवाज़ा है कि जहाँ से कोई मायूस जाता ही नहीं है, वो सबको दे देते हैं, जो भी जिसको चाहिए वो दे देते हैं। तो इस ऐसे अजीम मकाम पर कि जहाँ इंसान जो है वो दुआ करे और फिर दुआ मुस्तजाब। हाँ, सिद्क़े दिल ज़रूरी है कि इंसान सिद्क़े दिल के साथ दुआ करे। ऐसा ना हो खुदा न खास्ता कि इंसान दुआ कर रहा है लेकिन उसको खुद अपनी दुआ के ऊपर भी शक हो कि हो सकता है कबूल हो जाए, हो सकता है कबूल ना हो जाए। शक की कैफियत में नहीं, बल्कि आप जो है वो इखलास कल्ब के साथ दुआ करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुआएं जो है वो मुस्तजाब होती है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। आपकी आवाज़ करबला मुक़द्दसा की फ़ज़ाओं में है, मौला को सलाम कीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए। आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा आवाज़ है, नॉर्मली अगर आप जो है वो करते तो बेहतर था। ज़ाहिर है कि थोड़ा सा जो है आप जब बात कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा जो है मोबाइल को सही कैफियत में रखें। अल्लाह आप सबकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और सब अहली ईमान के लिए दुआ गो है, मौला सब की जायज़ हाजात को कबूल फरमाए, बीमारों को शफायाबी नसीब फरमाए मुझ समेत। और जो हमारे बरादरान व ख़ाहरान औलाद की नेमत से महरूम हैं, उनके लिए भी दुआ गो है कि मौला उनको औलाद नरीना सालेह इंशाअल्लाह अता फरमाए। और जो तंगदस्त हैं मौला उन सब की तंगदस्तियों को दूर फरमाए। जो जॉब और काम के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं, मौला उनको जायज़ नेक और मनपसंद काम अता फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और जिनके जो भी शहरी हाजात हैं मौला हाजात को बरावरता फरमाए। और आखिर में हमारे वक्त के इमाम हज़रत इमाम ज़माना अजल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ़ के ज़हूर के लिए आए मिल के दुआ करते हैं। जो हमारे मुश्किलात का असल हल जो है वो यही है, आए हाथ उठा के दुआ करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियिकल फ़रज।